नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हेलो एलकेएन के अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम हेलो एलकेएन का फॉर्मेशन कर सकते हैं या एलकेएन हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये सारे मेथड आज अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों लास्ट क्लास के अंदर अपन ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कार्बन हेलोजन बॉन्ड की नेचर के बारे में। इसमें मैंने कहा था कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है, जिसमें कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव और हेलोजन पे पार्शियली नेगेटिव होता है। और इसमें बेस जो क्वेश्चन थे दोस्तों वो तीन क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे। कौन कौन से? बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था अपन ने। इसके बाद में बॉन्ड एंथैल्पीज का डिस्कस किया था और डायपोल मोमेंट का, जिसमें मैंने कहा था कि जो डायपोल मोमेंट है दोस्तों इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका जो डायपोल मोमेंट है CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I, ये जो ऑर्डर है दोस्तों ये आपको याद रखना है। यहाँ से कई बार MCQs बन जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ और बॉन्ड एनर्जी की बात करूँ तो बॉन्ड लेंथ की जो ऑर्डर होगा वो CH3 इज लेस देन CH3Cl इज लेस देन CH3Br और फिर CH3I। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? मिथाइल आयोडाइड की होगी। और इसके अलावा मैंने कहा था कि जो बॉन्ड लेंथ होती है दोस्तों वो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का होगा उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ का होगा। तो ये टॉपिक अपन ने कल डिस्कस कर लिए थे, आई होप समझ में भी आए होंगे। ठीक है, अब इसके आगे का पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में दोस्तों हमारे पास जनरली चार मेथड्स हेलो एल्केन के प्रिपरेशन के। एनसीईआरटी में कितने मेथड दे रखे हैं? चार मेथड दे रखे हैं। इन चारों मेथड को मैं कुछ इस तरह से कैटेगराइज कर देता हूँ। सबसे पहला मेथड है वो है बाई एल्केन। कौन सा मेथड है? बाई एल्केन। अब एल्केन में भी क्या करवाना होता है? हेलोजिनेशन। क्या करवाएंगे? हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन भी आप कह सकते हैं। सेकंड मेथड है बाई एल्कीन। एल्केन के थ्रू हम किस तरह से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे? इसमें अपन कहते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, हाइड्रो हेलोजिनेशन करवाएंगे इसका एल्किन का, जिसका मतलब ये हुआ कि HX का एडिशन होगा। तीसरा मेथड है दोस्तों बाई एल्कोहल। एल्कोहल के थ्रू भी अपन क्या बना सकते हैं? हेलो एल्किन बना सकते हैं। और चौथा मेथड होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दो नेम रिएक्शन यहाँ अपन डिस्कस करेंगे, वो होगा हेलोजन एक्सचेंज मेथड। कौन सा है? हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। यहाँ से देखो क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए और यहाँ से। अब यहाँ से ध्यान रखा दोस्तों, इसके जो मैकेनिज्म है वो हमने पूछा जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक एडिशन तो होगा लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग, और दूसरा एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग। ये दोनों रूल भी अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए एंड तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले अपन पॉइंट करें डिस्कस, तो वो रहेगा अपने पास पहला मेथड है बाई एल्केन्स। अब ध्यान रखा दोस्तों, मैं यहाँ से कुछ पॉइंट और एक्स्ट्रा डिस्कस करूंगा जो आपके मैकेनिज्म से जुड़े हुए होंगे। देखिए यहाँ अपन हेलोजिनेशन करवाएंगे और ये जो हेलोजिनेशन होगा वो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा या यूवी रेज की प्रेजेंस में होगा या आपको मिल सकता है हाई टेम्परेचर। तो इनमें से कोई भी कैटेगरी मिल जाए, हाई टेम्परेचर इनमें से कोई भी कैटेगरी मिल जाए, तो ध्यान रखना ये जो हेलोजिनेशन होगा वो sp3 कार्बन पर होगा। कौन से कार्बन पर? sp3 कार्बन पर होगा। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो मैकेनिज्म अपन यूज करेंगे वो यूज करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन सी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये ध्यान रखना। तो FRS इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये हमें याद रखना है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं एल्केन ले लेता हूँ कोई, इस एल्केन का आप हेलोजिनेशन करवाएंगे HNO के प्रेजेंस में, तो यहाँ से अपने क्या मिल जाएगा? हेलो एल्केन मिल जाएगा। अब देखो मैकेनिज्म अपने 11th क्लास के अंदर है, यहाँ मैकेनिज्म का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप मैकेनिज्म का नाम याद रखें और किस कार्बन पर हेलोजिनेशन होगा ये याद रखें तो कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। जैसे देखिए अगर मैं बात करूँ CH4, इसका मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूँ HNO के प्रेजेंस में, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर इस कार्बन से कुछ इस तरह से एक हाइड्रोजन और Cl इस तरह से बाहर निकल जाए और यहाँ अपने को क्या मिल जाए? CH3Cl मिल जाए और HCl को बाहर निकाल दे। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, मैंने ले लिया
इथेन ले लिया और इस इथेन का क्लोरिनेशन करवा दिया वही एचएन के प्रेजेंस में और यहाँ बन जाए क्लोरो इथेन। अब देखो कन्वर्जन भी ध्यान रखना, इथेन टू क्या बनना चाहिए यहाँ पर, इथेन टू क्लोरो इथेन, ये इस तरह से कन्वर्जन बनता जाएगा, उनसे क्या बन जाएगा कन्वर्जन। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं प्रोपेन लेता हूँ, क्या कह रहा हूँ प्रोपेन लेता हूँ तो प्रोपेन की रिएक्शन करा तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट के बनने की प्रोबेबिलिटी है, एक इस 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े और एक दूसरी इस 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े, और हम इस प्रोबेबिलिटी को हम चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल के बेसिस की बात कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेडिकल बनेगा वो 2 डिग्री बनेगा और ये जो रेडिकल बनेगा वो 1 डिग्री बनेगा, कौन सा 1 डिग्री रेडिकल। और हमें ये पता है स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल में 3 डिग्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, मैं कह रहा हूँ 3 डिग्री रेडिकल की स्टेबिलिटी 2 डिग्री और 1 डिग्री से ज्यादा होगी, तो जो प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी होगी मेजर की वो 3 डिग्री और फिर 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। अब देखिए एक यहाँ से फिर क्वेश्चन बन सकता है, हैलोजिनेशन जो करवा रहे हैं तो हैलोजिनेशन में जो हैलोजन की रिएक्टिविटी होगी एक्स टू की जो रिएक्टिविटी होगी विद एल्केन, वापस बोल रहा हूँ हैलोजिनेशन की जो रिएक्टिविटी होगी, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ, हैलोजिनेशन की जो रिएक्टिविटी होगी इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ से अपने पास रिएक्टिविटी का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों एल्केन के साथ में जो हैलोजन सबसे फास्ट रिएक्ट करती है वो ध्यान रखना कौन सी रहेगी, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये कुछ इस तरह से हम इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। याद रखना हैलोजनेशन ऑफ एल्केन के अंदर जो हैलोजन की रिएक्टिविटी है वो क्या रहेगी, F2Cl2Br2 और I2 रहेगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी हमारे पास ऑर्डर का क्वेश्चन MCQ में बन सकता है, 1 मार्क्स में बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपने पास हैलोजनेशन ऑफ एल्केन, इसमें हमें याद रखना है कि यहाँ इसकी जो रिएक्टिविटी है वो सबसे फास्ट कौन सी करेगा, हैलोजन क्लोरीन करेगा, तो रिएक्टिविटी सबसे फास्ट है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों हम डायरेक्ट कभी भी क्लोरीनेशन नहीं करवा सकते, हैलोजनेशन में क्लोरीनेशन कभी भी डायरेक्ट नहीं होता है, ये याद रखना। केवल फ्लोरो एल्केन बनाने का केवल एक ही मेथड है, वो कौन सा है, स्वाट रिएक्शन, ठीक है, जो कि हैलोजन एक्शन से बनेगा, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, अगर मैं ले लूँ एन ब्यूटेन या केवल ब्यूटेन, अगर मैं यहाँ से क्लोरीनेशन करा दूँ इसका HN के प्रदेश में, तो देखिए एक तो ये 1 डिग्री कार्बन पे होगा और एक या 2 डिग्री कार्बन पे, अब 2 डिग्री कार्बन की जो स्टेबिलिटी होगी रेडिकल की वो ज्यादा होगी, तो जो मेजर बनेगा वो तो हमारे पास बन जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, और जो माइनर बनेगा वो बन जाएगा अपने पास 1 क्लोरो ब्यूटेन, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन और ये हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, कुछ इस तरह। ठीक है, अब देखिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेकंड मेथड, इसमें अपन बात करेंगे हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, अब इसमें अपन एल्कीन के अंदर दो मेथड और डिस्कस करेंगे, यहाँ अपन लेते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन की बात करते हैं, जहां पर मैं कह रहा हूँ कि HX का क्या होगा, एडिशन होगा, क्या होगा, एडिशन होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी मैकेनिज्म होगी, कि जो मैकेनिज्म होगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक, कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ध्यान रखना। अब यहाँ पर भी दो क्वेश्चन बनेगा अपने पास कि जो HX की रिएक्टिविटी है, कौन सी HX की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे फास्ट किस एल्कीन पर होगी, और दूसरी एल्कीन की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे फास्ट किस जगह होगी, यानी एल्कीन की रिएक्टिविटी देखनी है और एक HX की रिएक्टिविटी देखनी है, तो HX में तो ध्यान रखना दोस्तों HF, HCl, HBr और HIV जो इजीली इलेक्ट्रोफाइल दे दे, कौन है HI, क्योंकि यहाँ से हमें HI की बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए ये इजीली बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, और इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट हो जाएगी ऑन एल्कीन। लेकिन अगर मैं एल्कीन की बात करता हूँ तो यहाँ ध्यान रखना दोस्तों मोर स्टेबल एल्कीन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगी, क्या कह रहा हूँ,
मोर स्टेबल एल्किन क्या होगी, मोर रिएक्टिव होगी और फास्ट प्रोडक्ट देगी। क्या कह रहा हूँ, मोर रिएक्टिव होगी और फास्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी। ये दो क्वेश्चन हमें याद रखने यहां से, ठीक है। कौन सा, एक तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्किन्स याद रखिए, रिएक्टिविटी में हेलो एल्किन, ओ सॉरी, रिएक्टिविटी ऑफ एचएक्स में क्या रहेगी, सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट कौन रहेगा, एचआई रहेगा। इसके अलावा जो एल्किन जो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगी वो कौन सी करेगी, जो मोर स्टेबल एल्किन होगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्किन में हमें याद रखने। अब सुनिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसी एल्किन की एचएक्स के एडिशन के। तो मैं कह रहा हूँ कोई भी एल्किन पर जब एचएक्स का एडिशन करवाया जाएगा तो वो रूल होगा मार्कोनिकोव रूल, और इसी मार्कोनिकोव रूल की प्रेजेंस में, यानी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से ही अपन क्या करेंगे, इस पे एचएक्स का एडिशन करवाएंगे। अब मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है ये अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, क्या है ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में ये जो एच प्लस है जिसको आप क्या कहते हैं, प्रोटॉन कह सकते हैं या इसको इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल या प्रोटॉन इस डबल बॉन्डेड कार्बन में से, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच होगा, ये किसने एक्सप्लेन किया था, ये किया था मार्कोनिकोव ने। क्या कह रहा हूँ कि डबल बॉन्डेड कार्बन में से इस कार्बन पर ये HX का एडिशन होगा, ये एक्सप्लेन कर रहा था कौन, मार्कोनिकोव। और मार्कोनिकोव की बात करें तो मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल इस HX में जो इलेक्ट्रोफाइल है या प्रोटोन है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इस प्लस को अटैच होने के लिए इस CH2 पर इस पाई बॉन्ड को आना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन में इस पे तो प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैच हो जाएगा। अब यहाँ अपने पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। और इस कार्बोकेटाइन में ध्यान रखना दोस्तों, हमें इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का भी याद रखना है, जिसमें या तो हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं या मिथाइल शिफ्ट करवा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी होगी जब अपने पास कोई 1 डिग्री से 2 डिग्री तरफ जाएगा कार्बोकेटाइन, या 2 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ जाएगा कार्बोकेटाइन, क्यों, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। इसलिए तो यहां से क्या होगा, यहां से ये प्लस जुड़ गया, अब यहां से इस पर क्या जुड़ जाएगा, जो बचा हुआ न्यूक्लियोफाइल है वो जुड़ जाएगा और कुछ इस तरह से हेलो एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, हेलो एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं अपन इसको, चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की, मैं बात करता हूँ। मैंने कहा ये प्रोपीन ले लिया मैंने, ठीक है, ये प्रोपीन ले लिया और मैंने इसमें HCl डाल दिया। अब मैंने कहा कि मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, मैक्सिमम होती है, यानी ये पाई बॉन्ड इधर डिस्प्लेस होगा और डिस्प्लेस होकर के यहाँ इस कार्बोकेटाइन पर, तो जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और यहाँ CH2 है, इस CH2 से क्या जुड़ गया, H जुड़ गया और ये कार्बोकेटाइन बन गया, और इस कार्बोकेटाइन से अब क्या जुड़ जाएगा, Cl- जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा 2-chloro-propane। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ऑलरेडी स्टेबल है, इसे यहाँ रिएजमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट देते हैं, ये मैंने ले लिया कुछ इस तरह से, जहां मैं रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी को ले लेता हूँ। देखिए यहाँ मैं HCl, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, और एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यानी आप ये कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये स्टेप ले सकते हैं इसके अंदर, क्या कह सकता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। अब देखिए ये जो कार्बोकेटाइन दोस्तों 2 डिग्री है, तो यहां से इस हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट करके इसको क्या कर सकते हो, हाइड्राइड शिफ्ट कह सकते हो, और यहां से आप लीस्ट स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन, और ये जो कार्बोकेटाइन बन गया दोस्तों, ये बन गया अपने पास अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से बचा हुआ न्यूक्लियोफाइल फेस कर सकते हो। इस तरह से इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीबीएसई बोर्ड के लिए, और अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नीट के लिए या जेईई के लिए या कोई बोर्ड एग्जाम जो भी आप करा था, जो सीबीएसई हो या कोई अदर होगा, इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं बात करूँ मार्कोनिकोव रूल के स्टेप में, तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रोफाइल जो जुड़ेगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, 4। ये कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव इलेक्ट्रोफाइल और प्रोटोन इज अटैच्ड
एट दोज द डबल बोन्ड कार्बन एटम दोज डबल बोन्ड कार्बन एटम वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर मैक्सिमम. क्या हो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या हो मैक्सिमम हो मोर वहां पर क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैच हो जाएगा और ये हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा. अब देखिए दोस्तों यहां पर अपन इस HF की रिएक्टिविटी की मैं बात कर रहा था तो HF HCl HBr और HI ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है यानी सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा HI रिएक्ट करेगा. तो जैसे मैं एक साथ इनके एग्जांपल की बात करूं कि मैंने प्रोपीन ले ली दोस्तों अब प्रोपीन में अगर आप HCl दे दिया जाए Br दे दिया जाए या HI दे दिया जाए ठीक है तो इसमें Cl है तो यहाँ से बन जाएगा 2-chloropropane बन जाएगा यहाँ Br है तो यहाँ बन जाएगा 2-bromopropane बन जाएगा और अगर यहाँ आयोडाइड है तो यहाँ बन जाएगा 2-iodopropane बन जाएगा. तो कुछ इस तरह से एल्कीन से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं. अब देखिए दोस्तों इसमें जो HBr है इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस HBr के लिए ध्यान रखना दोस्तों कि अगर मैं इसी एल्कीन पर अगर मैं इस एल्कीन पर HBr का एडिशन तो कर रहा हूँ लेकिन इसके प्रेजेंस में इसी परोक्साइड के प्रेजेंस में कर रहा हूँ इसके प्रेजेंस में करा रहा हूँ परोक्साइड के प्रेजेंस में करा रहा हूँ तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये बात करेंगे किसकी एंटी मार्कोनिकोव रूल की. इस रूल की बात करेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल जिसको आप खर्रास इफेक्ट भी कहते हैं. क्या कहते हैं खर्रास इफेक्ट भी कहते हैं. अब इस एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है वो देखते हैं. एक तो सबसे पहली बात जब भी एंटी मार्कोनिकोव रूल की बात होगी तो ध्यान रखना यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी ये चीज ध्यान रखनी है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी क्योंकि ये परोक्साइड क्या करता है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है. क्या करता है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है. अब HBr जो होगा दोस्तों वो HBr अपने पास H रेडिकल और Br रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा. अब यहां से जो H और Br परोक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन होगा वो यानी मार्कोनिकोव के जस्ट अपोजिट होगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो H होगा ये जो H रेडिकल होगा वो इस डबल बॉन्डेड कार्बन में से इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम होते हैं. क्या कहता हूँ ये जो हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोजन रेडिकल है वो एल्कीन के उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां मिनिमम हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होती है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ जुड़ेगा इस डबल बॉन्डेड कार्बन से और Br जुड़ेगा वो इस कार्बन से और कुछ इस तरह से 1 डिग्री या 1 ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन होगा. दोस्तों चलिए इसको मैं और डिस्क्राइब करता हूँ अच्छी तरह से आगे चलते हैं. देखो इसको समझते हैं अपन इस तरह से जैसे मैंने ये प्रोपीन ले ली दो ठीक है और यहाँ मैंने HBr डाल दिया. क्या कह रहा हूँ यहाँ मैंने डाल दिया HBr. अब इस HBr के साथ में मैंने डाल दिया कोई परोक्साइड. क्या डाल दिया कोई परोक्साइड. अब जो परोक्साइड अपन यूज कर सकते हैं वो कौन सा हो सकता है हाइड्रोजन परोक्साइड हो सकता है लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेंजोइल परोक्साइड यहाँ ले रखा है कुछ इस तरह से ये परोक्साइड अपन ने यहाँ पर ले रखा है तो ये परोक्साइड अपने पास मिलेगा दोस्तों ठीक है ध्यान रखना. अब यहाँ पर ये जो HBr है वो उस तरह से एक H रेडिकल और Br रेडिकल बना लेगा इस परोक्साइड की वजह से और यहाँ जो एल्कीन है इस पर भी रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा. अब देखिए एक बार यहाँ पर H अटैच कर लेते हैं तो दो पॉसिबिलिटी बनती है. एक बार मैं इस 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रेडिकल को अटैच कर रहा हूँ और एक बार मैं इस 2 डिग्री कार्बन से सॉरी यहाँ पे Br जोड़ना था Br रेडिकल पहले जुड़ेगा तो ये Br जोड़ दिया मैंने और यहाँ इस 1 डिग्री पर मैंने Br दोनों मैंने वापस चेंज करता हूँ 1 सेकेंड तो एक बार वापस रिमूव करता हूँ और फिर अटैच करता हूँ. एक्चुअल में क्या है कि यहाँ हम रेडिकल की स्टेबिलिटी देखेंगे. क्या कह रहा हूँ रेडिकल की स्टेबिलिटी. देखिए एक बार 2 डिग्री रेडिकल मेरे पास बन रहा है Br यहाँ जुड़ गया प्लस और एक बार ये Br 1 डिग्री बनता है सॉरी ये जो कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन रेडिकल बनता है. तो देखिए एक बार Br मैंने इस 2 डिग्री कार्बन रेडिकल को बनाने के लिए जोड़ा और एक बार इस 1 डिग्री कार्बन यानी Br यहाँ मैंने ये कहा कि ये जो H है दोस्तों वो H ये H
इस डबल बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मिनिमम होते हैं। तो ये हुआ कि जब मैं इस बी आर एच को एक बार यहाँ जोड़ूंगा, एक बार यहाँ जोड़ूंगा, तो इसको जोड़ने के लिए अभी मैंने पहले बी आर जोड़ा है और बी आर का रेडिकल का मैंने एडिशन करवाया। अब आपको एच जोड़ना है। अब आप खुद देखेंगे कि इन दोनों में से ये 2 डिग्री रेडिकल है और ये कौन सा है, 1 डिग्री रेडिकल है। तो ये जो होगा वो मोर स्टेबल होगा और जो मोर स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये लीस स्टेबल होगा और लीस स्टेबल वाला क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट देगा। तो अब अगर यहाँ पर एच रेडिकल जोड़ू दोनों में तो मेरे पास एक तो बनता है 1 डिग्री या 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है और एक तो बनता है 2 ब्रोमो। तो जो मोर स्टेबल है वो अपने लिए क्या होगा, ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखने की चीज क्या है, यहाँ दो क्वेश्चन याद रखने हैं। एक तो इसके अंदर फ्री रेडिकल एडिशन होता है, इसकी प्रेजेंस में होता है, इसकी प्रेजेंस में होता है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। दूसरा, हाइड्रोजन जो रेडिकल है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जहां मिनिमम मिनिमम हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगी एट डबल बॉन्डेड कार्बन पर। ये चीज हमें ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं क्वेश्चंस, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं पहले इस क्वेश्चंस को मैं क्लियर कर देता हूँ। ये मेरे पास प्रोपीड है। अब मैंने कहा दोस्तों कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, एक HBr ले लिया हमने और एक HBr ले रहा हूँ लेकिन परोक्साइड की प्रेजेंस में ले रहा हूँ। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर मार्कोनिको फूल काम करेगा, यहाँ तो मार्कोनिको फूल काम करेगा और यहाँ काम करेगा एंटी मार्कोनिको। तो ये ध्यान रखना, HBr विद परोक्साइड होगा तभी एंटी मार्कोनिको फूल काम करेगा। तो यहाँ पे तो बन गया अपने पास 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? चलिए आगे लेते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ दोस्तों। देखिए यहां मैंने ये वाला प्रोपीन ले लिया, यानी 3-methyl-1-butane ले लिया। अब HBr मैंने यहां डाला विद परोक्साइड और एक बार HBr में यहां डाल रहा हूं केवल विदाउट परोक्साइड। तो देखिए इसमें तो कोई भी रिअरेंजमेंट नहीं होगा, ध्यान देना दोस्तों, यहां पर नो रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बन। लेकिन यहां पर क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बो के टाइम में यहाँ क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा दोस्तों, रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ तो जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा, हाइड्रोजन एटम, ये जो हाइड्रोजन एटम है इससे जुड़ेगा और बी आर यहाँ जुड़ेगा कुछ इस तरह से, आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये एच पे जुड़ेगा इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर और अपने पास एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब यहां से ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, क्या होगी, हाइड्राइड शिफ्ट होगी और यहां से ये हाइड्राइड शिफ्ट होकर के कुछ इस तरह से यहां एक 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा और अब ये बी आर रेडिकल यहां से इजीली आते हैं। तो कुछ इस तरह से 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। तो ये था दोस्तों एल्कीन पर HX का एडिशन जिसमें मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ दोनों रूल अपन ने डिस्कस कर लिए। अब कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ मैं आपको, आपको इनके क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है। ये लीजिए, यहाँ पर मैं एक बार HCl डाल देता हूँ, एक बार HBr डाल देता हूँ और एक बार HBr विद परोक्साइड डाल देता हूँ। ये क्वेश्चन नोट कर लेना। दूसरे क्वेश्चन, यहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है ना रीअरेंजमेंट की, वो पॉसिबिलिटी जरूर ध्यान रखनी दोस्तों। ये ले रहा हूँ एल्कीन, मैं HCl डालना है, HBr डालना है, HBr विद परोक्साइड डालना है और एक बार HI डालना है। तो जहाँ पॉसिबिलिटी होगी वहाँ रीअरेंजमेंट करवाना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये लीजिए, यहाँ HCl ले लो और HBr ले लो तो विद परोक्साइड। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको करने, ये जो तीनों क्वेश्चन है वो करने हैं। अब जो कल की जो क्लास होगी इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे एल्कोहल से। अब एल्कोहल से कौन कौन से मेथड है उनसे जिनसे अपन हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं वो करेंगे और दूसरा अपन डिस्कस करेंगे जो चौथा मेथड होगा हेलोजन एक्सचेंज मेथड। इस हेलोजन एक्सचेंज में
अगर फ्लोराइड का एक्सचेंज होगा तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी फ्लोराइड का एक्सचेंज होगा तो कौन सी होगी, शॉर्ट रिएक्शन होगी, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्ट हैलोज डायरेक्ट फ्लोरिनेशन डायरेक्ट फ्लोरिन से कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, ये याद रखना है दोस्तों। और दूसरा क्या होगा, एन ए अगर आयोडाइड का एक्सचेंज हो रहा है तो वो हो जाएगी दोस्तों फिंकल स्टेन रिएक्शन, कौन सी, फिंकल स्टेन रिएक्शन हो जाएगी दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट अपन कल डिस्कस करेंगे, इसमें 5 मेथड है वो भी अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू, बाय।